और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग अभिभावक है सभी अलग जगह से सभी हमारे भाइयों का साथियों का हम स्वागत करते हैं। बल्कि उम्मीद करेंगे कि पार्टी में आप लोगों से जुड़ने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और पूरा विश्वास है कि आप लोग निष्पक्ष होकर अपनी पार्टी के हित में ईमानदारी से आप लोग सब लोग काम करेंगे। दूसरी तरफ आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ उपचुनाव है। उपचुनाव क्यों हो रहा है? उपचुनाव इसलिए हो रहा है, कोई लोग से पूछेगा तो लोग कहेगा कि विधायक जी का निधन हो गया इस वजह से उपचुनाव हुआ। हम मानते हैं कि विधायक जी बीमार हुए लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो कि नहीं के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, डबल इंजन का सरकार है, केंद्र से लेकर के बिहार का सरकार है। विधायक जी फोन करते रहे थे अस्पताल में भर्ती ले लीजिए, भर्ती ले लीजिए, अधिकारी लोग को कोई नहीं सुना, जाकर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। यहाँ के या कुशेश्वर स्थान के विधायक जो मुख्यमंत्री अपने ही विधायक का इलाज नहीं करवा सकता, अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सकता, वो आम जनता का क्या करेगा? ये बात सोचने की जरूरत है। ये उपचुनाव सरकार का लक्षण स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से हुआ। विधायक जी का अगर सही से उपचार, इलाज और भर्ती अगर हो गए होते, बिहार सरकार का अस्पताल ठीक होता, दवा मिलता, ऑक्सीजन मिलता, आईसीयू बेड मिलता, तो विधायक जी अभी जीवित रहते, उनका निधन नहीं होता। तो इसका जिम्मेदार कौन? बिहार सरकार। बिहार सरकार में आप देखिए कितना लचर व्यवस्था है। पानी थोड़ा सा होता तो पानी भर जाता, कुत्ता लेकर रहता अस्पताल, दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर का भाव है, नर्स नहीं है, दवा कुछ नहीं, एक पाइयो दवा दे देता है। तो अगर नीति आयोग का रिपोर्ट भी देखिएगा तो केंद्र सरकार का नीति आयोग उसमें बिहार सबसे कुशल राज्य में। तो भैया जो अपना विधायक का जान नहीं बचा पाया वो बिहार की जनता का